अस्सलामुअलैकुम, आईटी फराल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाई क्वाइन ऐप के ऊपर अकाउंट बनाने का तरीकाकार सीखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि पाई क्वाइन क्या है और इसको इस्तेमाल करने के क्या फ़वाद हैं, इसकी आने वाले वक्त में प्राइस क्या हो सकती है। और अभी पाई क्वाइन की फ्री माइनिंग शुरू है, आप लोग फ्री के अंदर पाई क्वाइन इकट्ठे कर सकते हैं अपने वॉलेट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर पाई क्वाइन की जो ऐप है उसके ऊपर अकाउंट बनाने का तरीकाकार मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो बेल आइकन है इसके ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च करना है पाई नेटवर्क। ये देखे टॉप के ऊपर आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, आपके सामने पाई नेटवर्क की ये ऐप आ जाएगी। ये जो इंस्टॉल का बटन है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों ने इस ऐप के अंदर अपना अकाउंट कैसे बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपके अकाउंट के अंदर पाई क्वाइन इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे करना है। ये देखें ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो यहां पे आप देख सकते हैं ओपन का बटन आ गया है। तो आप लोगों ने इस ओपन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इस ऐप को ओपन कर लेना है। ये थोड़ी देर लगाएगी आपके सामने ओपन होने में। ये देखें ये इसकी फर्स्ट स्क्रीन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग मेड इजी। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एक है कंटिन्यू विद फेसबुक और दूसरा है कंटिन्यू विद फोन नंबर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंटिन्यू विद फोन नंबर करें, यानी आप लोग इसको फोन नंबर से लॉग इन करें। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आप लोगों ने अपनी कंट्री चूज करनी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे करता हूँ पाकिस्तान। यहाँ पे आप लोगों ने अपने कंट्री को सर्च कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक जो कंट्री कोड है वो यहाँ पे आ गया है और नीचे आप लोगों ने फोन नंबर टाइप करना है। याद रखिए फोन नंबर के साथ आप लोगों ने जीरो नहीं लिखना है, विदाउट जीरो आप लोगों ने फोन नंबर लिखना है। फोन नंबर लिखने के बाद जस्ट आप लोगों ने ये जो गो का बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें जो ही मैंने गो के बटन के ऊपर क्लिक किया है तो प्रोसेसिंग हो रही है, मेरे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी नेट स्पीड के ऊपर। ये देखिए मेरे सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ गई है, सेट अप योर पासवर्ड। यहां पे आप लोगों ने पासवर्ड चूज करना है और पासवर्ड के अंदर आप लोग डिजिट और अल्फाबेटिक, जिसमें कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, ये तीन तरह के करेक्टर के कॉम्बिनेशन से आप पासवर्ड बनाएंगे तब आपका पासवर्ड एक्सेप्ट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पासवर्ड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे एक कैपिटल लेटर लिखता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ नंबर लिख देता हूँ। दोबारा वेरीफाई योर पासवर्ड, सेम पासवर्ड आप लोगों ने दोबारा लिखना है और उसके बाद पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है सबमिट का, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है सबमिट के ऊपर। जो ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन आएगा सेटअप योर अकाउंट, यहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट सेट करना है। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट नेम, तो यहां पे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं मोहम्मद इस्माइल। फर्स्ट नेम के अंदर मैंने मोहम्मद लिख दिया और सेकंड नेम के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं इस्माइल। लेकिन याद रखिए यहां पे जो भी आप लोग नाम लिखेंगे वो आपके आईडी कार्ड के मुताबिक ठीक होना चाहिए। आप लोगों ने नाम एक्यूरेट लिखना है। मोहम्मद इस्माइल मैंने लिख दिया है। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे बताया जा रहा है चूज यूजर नेम, यहाँ पे आप लोगों ने यूजर नेम लिखना है। तो यूजर नेम यहाँ पे आप लोग कैसे लिखेंगे देखें, आप लोग अपना नाम लिखें विदाउट स्पेस और उसके आगे आप लोग कुछ डिजिट लिख दें, क्योंकि यूजर नेम हमेशा यूनिक होता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वसी 1234 लिख देता हूँ और यूजर नेम लिखने के बाद आप लोगों ने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। लेकिन यहां पे देखें यूजर नेम एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी यूजर नेम टेकन है, तो आप लोगों ने इसको चेंज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 5B ऐड कर लेता हूं और दोबारा सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं। ये देखें जो ही मैंने सबमिट किया है तो इसके बाद मेरे सामने जो चौथा ऑप्शन आया है
who invited you. यहां पे आप लोगों ने इनविटेशन कोड लिखना है जिस बंदे ने आपको इनवाइट किया है, लेकिन यहां पे कोड लिखते वक्त आपने ख्याल करना है कि किसी ऐसे बंदे का कोड लिखें जो इस माइनिंग को स्टॉप ना करे, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करता रहे। तो आप लोगों ने ऐसे किसी बंदे का कोड लिखना है। मेरा कोड जो है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ आईटी फॉर ऑल। अगर आप लोग मेरे कोड से ज्वाइन करेंगे तो आप मेरी अर्निंग टीम मेंबर बन जाएंगे और ये जितने भी कॉइन्स हैं इनके मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप मेरे टीम मेंबर बन जाएंगे। इन कॉइन को अगर आपने सेल करना हुआ या इन कॉइन को अगर आपने विड्रॉ करना हुआ तो मैं उनके अंदर आपकी पूरी पूरी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये देखिए इनविटेशन कोड मैंने लिख दिया स्क्रीन के ऊपर, आपको इनविटेशन कोड नजर भी आ रहा होगा। मेरे चैनल का नाम है आईटी फॉर ऑल और ये काम करने के बाद आप लोगों ने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहां पे गेट स्टार्टेड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी और बताया जा रहा है अर्न पाई बाई प्रोवाइडिंग यूअर प्रीसेंस डेली, यानी आप लोगों ने यहां पे अर्निंग करनी है डेली यहां पे अपनी प्रीसेंस के जरिए। आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इस ऐप के अंदर 24 घंटों में एक दफा इसको ओपन करना है, लॉगिन करना है बस। और ये देखें टैब टू अर्न, यहां पे आपको एक एरो नजर आ रहा है टैब टू अर्न, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करके यहां पे अर्निंग कर सकते हैं। ये देखें मैंने क्लिक किया है तो यहां पे ऊपर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर एक पाई मुझे मिली है और माइनिंग स्टार्ट हो गई, यानी यहां पे ऑटोमेटिक ये जो फिगर है ये बढ़ना शुरू हो गया है। तो ये जो आपको नजर आ रहा है यूअर पाई बैलेंस, इसको आप लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं। ये देखें मैं नेक्स्ट कर रहा हूं, ये जितने भी ऑप्शन आते हैं आप लोगों ने इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। और ये जो ऊपर बैग का बटन है इससे मैं बैग जाता हूं और आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इस बारे में। ये देखिए ये इस एप्लीकेशन की होम स्क्रीन है और टॉप के ऊपर जो आपको एक पाई लिखी हुई नजर आ रही है 1.0016 पाई, आपने मेरे लिंक से ज्वाइन किया आपको एक पाई मिल गई है। और नीचे यहां पे ये जो आपको 0.12 लिखा नजर आ रहा है पर आर, ये आपकी माइनिंग स्पीड है कि एक घंटे के अंदर आपको 0.12 पाई मिलेगी। अगर आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो फिर आपकी ये स्पीड बढ़ सकती है। तो आप लोगों ने अपने दोस्तों को ज्वाइन करवाना है ताकि आपकी स्पीड बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आपके पाई कॉइन इकट्ठे हों। इनवाइट करने का बहुत आसान तरीका है, ये जो इनवाइट का बटन है आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी रेफर फ्रेंड टू ज्वाइन पाई नेटवर्क। यहां पर आप लोगों ने इंग्लिश के ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो आ जाएगी और यहां पे आपने शेयर करना है। कहां पे शेयर करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक के ऊपर करते हैं, ईमो के ऊपर करते हैं या मैसेंजर के ऊपर करते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों ने अपना रेफरल लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दीजिए वसीम अब्बास को इजाजत नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।